अभी तत्कालीन समय में कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी स्कूल में गए इंस्पेक्शन करने के लिए, तो क्लास 11 की क्लास में वो गए, तो बच्चों ने बड़ा नमस्कार नमस्कार किया और बच्चे बड़े तैयार होकर बैठे थे। आगे एक लड़का बैठा था, उन्होंने उस लड़के से पूछा कि बेटा ये बताओ कि शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा। उसने कहा सर मैंने नहीं तोड़ा। उन्होंने क्लास टीचर की तरफ देखा, ये क्या बोल रहा है ये। क्लास टीचर ने कहा सर इसी ने तोड़ा होगा सर, हम सर जानबूझ के इसको आगे बैठाए थे सर, ये बहुत बदतमीज लड़का है क्लास का, और हमने इसको जानबूझ के आगे बैठाया था कि ये कोई बदतमीजी ना करने पाए, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ बदतमीजी, पता नहीं है बदतमीज कैसे कर गया सर, और तोड़ा इसी ने होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी को बड़ा झटका लगा कि यार ये टीचर क्या बोल रहा है। वो बेचारे प्रिंसिपल के पास चले गए, यार अजीब ड्रामा है तुम्हारे स्कूल। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, वो कह रहा मैंने नहीं तोड़ा, ये तुम्हारा टीचर कहता है कि साहब इसी ने तोड़ा होगा, ये बहुत बदतमीज टाइप का लड़का है, ये क्या ड्रामा है तुम्हारे स्कूल में, ये स्टैंडर्ड है। अरे प्रिंसिपल ने कहा बैठो साहब, क्यों टेंशन ले रहे हो, धनुष है ना, कारपेंटर को बुलवा के ठीक करवा देते सर। ये है भारत की शिक्षा व्यवस्था।